दोस्तों ये है अपराजिता का फूल। इस फूल से बनाऊंगी मैं एक स्पेशल व्यंजन। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस फूल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ पूजा स्थल पे ही किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। मेडिकल साइंस में इस फूल को औषधि भी कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है, जो कि फीवर, डायरिया, गैस्ट्राइटिस, वॉमिटिंग, एनस ब्लीडिंग से फाइट करने में काफी हेल्पफुल होता है। चूंकि इसका सेवन करने से मस्तिष्क का विकास भी होता है, तो इससे बनी व्यंजन को आप अपने बच्चों को बड़े आराम से खिला सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपराजिता के फूल को मैंने इस चाय छलनी के अंदर डाल दिया है। ये खूबसूरत सी चाय छलनी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसे किसी भी कढ़ाई में डाल के एक ग्लास पानी डाल दें और इसे ढक के 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ दें। इस प्रकार से अब 5 मिनट बाद जब आप इस ढक्कन को हटाएंगे, फिर आप देखेंगे कि पानी का कलर इस प्रकार से चेंज हो चुका है। चाय छन्नी को इस प्रकार से निकाल के बाहर रख दें। अब डालें इसमें 1 चम्मच नमक, इतना चिली फ्लेक्स और अजवाइन, और इसे फिर से 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी चावल का आटा और इसे लगातार लो फ्लेम पर इस प्रकार से 2 मिनट के लिए चलाएं। अब 5 मिनट बाद जब यह मिक्स जरा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे इस प्रकार से गुन लेंगे। डालेंगे जरा सा रिफाइंड और इसे अच्छे से गुन लें 2 से 3 मिनट तक। अब इसे इस प्रकार से चाकू से काट लें। अब हाथ पे जरा सा रिफाइंड लगा लें ताकि आपका हाथ चिकना हो जाए, और फिर इस मिक्स को हाथ से इस प्रकार से रोल कर लें। डालें जरा चीज, आप चाहे तो बिना चीज के भी बना सकते हैं, लेकिन चीज डालने से इसका स्वाद काफी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ चीज डाला। अब इसे आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, मैंने इसे इस प्रकार से गोल कर लिया। अब आप इसे किसी भी प्लेट में डाल लें इस प्रकार से। अब हम लेंगे इस प्रकार की कोई भी छलनी और इसके ऊपर घी या रिफाइंड इस प्रकार से लगा दें चारों तरफ। अब जरा सा रिफाइंड इसके ऊपर इस प्रकार से लगा दें। घी या रिफाइंड डालने से ये इसके ऊपर चिपकता नहीं है, इसलिए हमने रिफाइंड डाला है। लेंगे एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे पानी, इसके ऊपर उल्टा कटोरी इस प्रकार से डाल दें और इस छन्नी को डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए इस प्रकार से ढक के छोड़ दें। अब 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ये पक चुका है। अब हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी, घी जब जरा गर्म हो जाए फिर हम इसे इस प्रकार से इसमें डाल देंगे। इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, जब वह अच्छे से गर्म हो जाए डालेंगे इसमें सरसों तेल, काली राई, कटी हुई हरी मिर्च,
इसे इस प्रकार से चलाएं, डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट और ग्रेटेड अदरक, करी पत्ता। अब डालेंगे इसमें कुछ सब्जियां, जैसे दो बारीक कटा प्याज, शिमला मिर्च, कटा हुआ पत्ता गोभी, बीन्स, गाजर। अब हम इसे इस प्रकार से चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर और टोमेटो सॉस। अब इसे इस प्रकार से चलाएं। अब इसमें डालेंगे चावल अपराजिता चीज बॉल्स और इसे इस प्रकार से चलाएं। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दें। जब तक ये पक रहा है, हम इस डिश के साथ खाने के लिए कुंडली की चटनी तैयार करते हैं। लेंगे एक कढ़ाई, डालेंगे इसमें सरसों तेल, काली राय, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च, उड़द दाल, चना दाल 1-1 चम्मच और इसे इस प्रकार से चलाएं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई कुंडली और इसे इस प्रकार से चलाएं। डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसे 2 मिनट तक इस प्रकार से चलाएं। अब जब यह ठंडा हो जाए, हम इसे ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल लें। आप चाहें तो कुंडली की चटनी में नींबू का रस डालें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब लेंगे छौंक वाली करछी, डालेंगे इसमें सरसों तेल, काली राय, कटी हुई हरी मिर्च और करी लीव्स। अब इस चटनी में इस प्रकार से डाल दें। अब 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये इस प्रकार का हो चुका है। हम इसे किसी भी सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर आप चाहें तो टोमेटो सॉस इस प्रकार से डाल सकते हैं। दोस्तों, एक जानकारी देना चाहूंगी कि अपराजिता का उपयोग प्रेग्नेंट औरतें और लैक्टेटिंग मदर ना करें। दोस्तों, ये डिश काफी टेस्टी और हेल्दी था। इसे मेरे बच्चों ने काफी पसंद किया। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस प्रकार के वीडियोस आगे भी बना सकूं। धन्यवाद। बहुत टेस्टी है।